भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट मैच में टीम इंडिया एकदम मजबूत स्कोर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, 26 ओवर में भारत का स्कोर करीब 80 हो चुका है। साथ ही यहां पर शुभमन गिल ने शानदार तरीके की बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल ने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। इससे पहले आपको अब तक का ब्यौरा बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया पहले यहां पर गेंदबाजी का फैसला, नहीं बल्कि बल्लेबाजी का फैसला। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाज पूरे तरीके से परेशान हुए। हालांकि आपको बता दें कि 8वें ओवर में काइल जेमिसन ने भारत को पहला झटका दे दिया। मयंक अग्रवाल 28 गेंदों में 13 रन बनाकर यहां पर आउट हुए। 2 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। इसके बाद शुभमन गिल ने शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया, लेकिन फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। साथ ही चेतेश्वर पुजारा शुभमन गिल के साथ धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात की जाए तो 6 ओवर में 24 रन देकर कोई सफलता नहीं है। टिम साउदी का रोल है। काइल जेमिसन 6 ओवर 2 मैडन 12 रन देकर 1 विकेट। एजाज पटेल 9 ओवर 3 मैडन 35 रन, कोई सफलता नहीं। विलियम समरविल 4 ओवर 7 रन, कोई सफलता नहीं। रचिन रविंद 1 ओवर 1 रन, कोई सफलता नहीं। धीरे धीरे यहां पर फिलहाल भारतीय टीम अपनी पारी को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। शुभमन गिल ने अभी तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बताया जा रहा है कि वो भारत के आने वाले फ्यूचर बल्लेबाज होंगे, ये बात तो तय है। कहीं ना कहीं अब साउथ अफ्रीका भारत को जाना है और ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने यहाँ पर अपना अर्धशतक 81 गेंदों में पूरा किया। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने। शानदार तरीके से पारी को वो अपने आगे बढ़ा रहे थे। एक कई शानदार शॉट भी खेली उन्होंने और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब परेशान होते नज़र आ रहे हैं, ये बात भी तय है, क्योंकि विकेट में घुमाव है। कहीं ना कहीं शुभमन गिल से भारतीय टीम को उम्मीदें हैं। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो फिलहाल भारत का स्कोर 80-1 है और भारतीय टीम को यहां से एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है ताकि न्यूजीलैंड को पारी से भी हराया जा सके। भारत के पास 3 स्पिनर्स हैं इस मुकाबले में, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन। उस लिहाज से अगर चौथी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड को करनी है तो भारत को एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर पहले ही आप बड़ा स्कोर लगा देते हैं तो आप न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन भी दे सकते हैं, जिससे फ़ायदा टीम इंडिया को ही होता नज़र आएगा। फिलहाल करीब 27 ओवर का खेल यहाँ पर हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के द्वारा, स्पेशली शुभमन गिल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, लंबे समय बाद टीम में लौटे और अपने आप को उन्होंने साबित किया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।